हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो रेशियो एनालिसिस में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आपको कैलकुलेटर ऑन करने नहीं आता तो शॉर्टकट की क्या होती है कैलकुलेटर की? Alt N, Control N। कंट्रोल N, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल N प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको हटाते हैं। अगर आप कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर वह ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया ना, तो ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम सीधा सीधा, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हमने अभी तक कौन कौन सी एंट्रीज पास की हैं, ये देखिए यहाँ पर एंट्रीज आपको दिख रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल में जो एंट्री पास की गई है वो हमें दिख रही है। अगर आप ये चाहते हैं आपने कोई एंट्री आगे भी पास कर रखी है वो ना दिखे, तो आप यहाँ से अल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिए, और यहाँ पर ऊपर वाली डेट 1 अप्रैल ही रहने दीजिए और नीचे वाली डेट चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं 1-10-2021, तो हमें 1-10-2021 तक का देखना है तो हम पूरा देख सकते हैं। लेकिन हमने 2 ही एंट्रीज पास की हैं, ठीक है। पहली एंट्री कैपिटल अकाउंट की है जिसमें हमने 2 लाख रुपए रिसीव कराए हैं कंपनी में, ठीक है। और इसके बाद हमने जो दूसरी एंट्री पास की है वो किसका पास किया है? परचेज का पास किया है, और जिसमें हमने एडिशनल वैट भी लगाया है। हालांकि वैट इंडिया में नहीं लगता है, अब तो GST वाला आ गया है सब, तो खैर बहुत सारे इंडियन जो है UAE वगैरह में भी रहते हैं तो वो लोग भी काफ़ी वीडियोस देखते हैं। तो ये जो वैट है ना वो अदर कंट्रीज़ में लगता है, इंडिया में नहीं लगता। UAE वगैरह कंट्री जो है वहाँ अभी वैट लागू है, तो वहाँ पर वैट चलता है, ठीक है। तो ये एडिशनल टैक्स हमने लगाया हुआ है, और यहाँ पर कितना अमाउंट आया हुआ है कुल? 3,37,56.56 रुपये ये आया हुआ है, ठीक है। 3,706.56 रुपये यहाँ पे टोटल अमाउंट आया हुआ है, ठीक है। यानी हमने परचेजिंग कितने की 3,706 रुपये की। वैसे परचेजिंग तो हमने यहाँ पे किया है 3,432 रुपये का, लेकिन 171.60 रुपये और 102.96 रुपये ये जो है क्या लगा हुआ है? वैट और एडिशनल टैक्स लगा हुआ है। ये एडिशनल टैक्स जहाँ की पेट्रोल पे लगता है, अभी यहाँ पर पेट्रोल पे GST लागू नहीं हुआ है। GST लागू हो जाता तो 28% पे मिल जाता, इस तरह 50% 60% टैक्स गवर्नमेंट उठा लेती है, ठीक है। तो बात ये है, इसीलिए तेल महंगा है थोड़ा सा। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। ये तो हमने कर लिया, अब हमें देखना है कि रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस में चलते हैं, तो रेशियो एनालिसिस ये नीचे आपको दिखेगा, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे तो ये दिखेगा आपको रेशियो एनालिसिस। आर प्रेस कर दीजिए, आ जाएंगे रेशियो एनालिसिस पे। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट आपको शो कर रहा है, दिख रहा है कितना है नेट प्रॉफिट? 0 है, क्योंकि हमने तो अभी केवल परचेस किया है, सेल तो किया ही नहीं। सेल करेंगे तब ना हमको पैसा मिलेगा, तब ना फायदा होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको शो करेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से बाहर आ जाते हैं, और यहाँ से हम चलते हैं कहाँ? वाउचर में। अब हम किस वाउचर में चलते हैं? सेल्स वाउचर में। F8 प्रेस कर सकते हैं सेल्स वाउचर में जाने के लिए, या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये F8 प्रेस करके आ गए। अब यहाँ पर एक डेटर पार्टी का लेजर बनाना होगा। ये जो मोहन है ये क्रेडिटर पार्टी है, तो यहाँ पर डेटर पार्टी के लिए हम कर देते हैं यहाँ पे अभिषेक, ठीक है। ये नाम लिख दिया हमने, और यहाँ पे कर दिया डी, यानी डेटर। आपको पता लगता रहेगा कि ये डेटर पार्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर सन्ड्री डेटर ग्रुप में ये जाएगा, तो ग्रुप से कंफ्यूज मत होइएगा, सन्ड्री डेटर जरूर कर दीजिएगा। एंटर प्रेस कीजिएगा। एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हो गया ये, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर लेजर लगाएंगे किसका? सेल्स का। लगाइए सेल्स अकाउंट बनाइए, सेल्स। ये जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट के ग्रुप में, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम था हमारा, लाइक चाय था, तो चाय लीजिए, चलो ठीक है। कितने रुपए था? कितने रुपए? उससे ज्यादा का ही बेचेंगे। कितने रुपए वहाँ रखी थी? 73 क्वांटिटी इसमें हम किलो जो है सेल कर रहे हैं, ठीक है। कीमत क्या रखी थी? 78। तो हम यहाँ कर देते हैं 155, ठीक है। इतने में हम बेचेंगे, तो बस इतना ही करते हैं, और बाकी वैट वैट जो लगाना है आप यहाँ पे लगा दीजिए अपना वैट। तो ये वैट टैक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल टैक्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एडिशनल टैक्स हो गया, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, या न्यू रेफरेंस कर दीजिए। एंटर प्रेस कीजिए। अब तो हमको फायदा दिखना चाहिए ना, चलिए देखते हैं कितना फायदा हुआ है। दो बार रिफ्रेश करते हैं, आ गए। ये तो आपका दिख रहा है सेल्स वाला एंट्री दिख रहा है ना, इसलिए अब यहाँ से रेशियो एनालिसिस पे जाना है, तो रेशियो एनालिसिस पे जाने के लिए आर प्रेस कीजिए। देखिए फायदा दिख रहा है, कितना दिख रहा है फायदा? 1,771।
1771 रुपए अब फायदा हुआ है आपका जब आपने बेचा है, लेकिन अभी आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। हाँ।